हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आफ्टर डिमांड हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। जैसे कि आप चैप्टर का नाम अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी आपके सामने एक नया वर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया कि सर ये इलास्टिसिटी क्या है। तो बेसिकली इलास्टिसिटी को आप एज अ सिमिलर वर्ड अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप एज अ फ्लेक्सिबिलिटी आप इसको कर सकते हैं एक्सप्रेस। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स तो आप समझते हैं लचीलापन, कितना फ्लेक्सिबल है वो। तो आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फ्लेक्सिबिलिटी किसकी चेक कर रहे हैं बच्चे, कि डिमांड कितना फ्लेक्सिबल है। अब क्वेश्चन ये है कि सर डिमांड कितना फ्लेक्सिबल है, इसका क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, डिमांड का अपना एक नेचर होता है बच्चे। कोई भी एक कम्युनिटी है, लाइक कम्युनिटी एक्स आप कंसिडर करें, कम्युनिटी आपके पास में बच्चे एक्स है और इसकी अपनी एक डिमांड है। आप भी समझते हैं कि अब देखो इसके दो चीजें, एक तो इसका बच्चे अपना एक प्राइस है और इस कम्युनिटी का अपना मार्केट के अंदर अपना एक डिमांड लेवल भी है। आप इस बात को समझें कि प्राइस में जब चेंज आता है तो डिमांड रिएक्ट होता है, रिएक्ट करता है। जब प्राइस में चेंज कभी भी आएगा तो डिमांड में भी चेंज आएगा। जनरली किस टाइप का चेंज आता है, जो जनरल चेंज आता है, प्राइस अगर राइज होता है, इंक्रीज होता है, तो लोग उस कम्युनिटी की डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं, कम करते हैं। और जब प्राइस फॉल होता है, प्राइस कम होता है, तो लोग उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। तो आप समझते हैं इस बात को कि प्राइस में अगर चेंज आएगा तो कम्युनिटी की डिमांड में भी चेंज आएगा, वो भी इनवर्स चेंज आएगा। इनवर्स मीन्स प्राइस जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, डिमांड उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अपोजिट रिलेशन भी कहते हैं प्राइस एंड डिमांड के बिटवीन, इसको इन्वर्स रिलेशन भी आप बोल सकते हैं। तो डिमांड तो ऑलवेज कॉन्स्टेंट तो रहता नहीं है, डिमांड वेरी करता रहता है, डिमांड कम और ज़्यादा होता रहता है, डिमांड में चेंजेस आते रहते हैं। तो डिमांड का कम और ज़्यादा होना ही डिमांड की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्लियर है? अब बच्चे फ्लेक्सिबिलिटी के भी अपने टाइप्स होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स होते हैं कि बोलते हैं भैया ये बहुत ही कम फ्लेक्सिबल है। लाइक आप एक रबड़ बैंड लो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करो, काफ़ी हाईली फ्लेक्सिबल होगा वो। और आप अपने स्केल जो आपके पास में है उसको, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करो, फ्लेक्सिबल तो वो भी फ्लेक्सिबल है, बट वो जो है बहुत ही लो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। तो डिमांड की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो डिमांड की फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स की भी बात करेंगे कि कितने टाइप्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपका ये लेता हूँ कि आपका ये चैप्टर को पढ़ने से बेसिकली क्या फ़ायदा होने वाला है, चैप्टर क्यों पढ़ा जा रहा है, उसके बाद ही तो फिर चैप्टर को पढ़ने में मन लगेगा। तो जनरली आप भी जानते हैं, मान के चलो बच्चे कि आपके आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आपकी एक रिटेल की शॉप है, ठीक है। जनरली आप इस चीज़ को फेस करते रहते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आपकी रिटेल की शॉप है, आप एज अ कुछ भी एज अ बिजनेसमैन अपने आप को कंसिडर कर लो, ठीक है। आप इस बात को जानते हैं कि जब भी प्राइस में चेंज आएगा कमोडिटी के, तो इसकी डिमांड फ्लक्चुएट होगी। अब आप ये बात तो जानते हैं, एक दुकान लेके बैठे हुए हैं कि भाई प्राइस बढ़ गया, आपको ये तो पता है कि डिमांड कम होगा, ये तो पता लग गया। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो आप पहले से ही अवेयर हो गए क्या होने वाला, डिमांड प्राइस राइज हुआ है, डिमांड क्या होने वाला है, कम होने वाला है। बट आपको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली कितना कम होगा डिमांड। तो आप बताओ आप अपने स्टॉक को मैनेज कैसे करोगे, और आपको पता रहे कि प्राइस बढ़ा तो आप डिमांड इतना कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से उतना स्टॉक आप कम लाओगे ना, नहीं तो होगा बच्चे। चलो प्राइस फॉल हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि भैया डिमांड अब कितना बढ़ेगा, एग्जैक्टली कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा ये मालूम है आपको, बट एग्जैक्ट कितना बढ़ेगा डिमांड ये पता होना चाहिए आपको। अगर आपको पता होगा तो आप अपने स्टॉक मैनेज कर सकते हो, ताकि आपके पास में जो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज है, जो लोगों की नीड है, उसको आप फुलफिल कर पाओ। पता लगा आपने जो हिसाब से स्टॉक रखा और डिमांड ज़्यादा आई और आप फिर बाकी लोगों को दे नहीं पाए और आपके पास जो प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी थी वो मिस हो गई। तो आप बताओ एज अ रिटेलर, एज अ बिजनेसमैन, प्राइस में चेंज आया, आपको पता है क्या चेंज आया, वो आपके सामने है, तो क्या आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि डिमांड में चेंज तो आएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा डिमांड, ये तो आपको खैर पता ही है। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगा, बट डिमांड एग्जैक्टली कितना कम होगा,
प्राइस फॉल हुआ, डिमांड राइज होगा, एग्जैक्ट कितना राइज होगा क्या ये पता नहीं होना चाहिए एज अ बिजनेसमैन? तो यही चीज़ पता होना चाहिए, इसी के पता होने के लिए चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। इस चैप्टर के बाद आपको पता होगा कि भैया आप डिमांड में से कितना चेंज आएगा। समझ आया बच्चे आपको? क्लियर है? एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को हम। क्लियर है बच्चे? उसके बाद बाकी धीरे धीरे डेफिनेशन, जो भी मैं बात बोलूँगा, जो भी मैं एग्जांपल लूँगा, वो सब धीरे धीरे सभी डेफिनेशन, सभी चीज़ों को, फार्मूला वगैरह सब उसमें आपको ऑटोमेटिक इन्वॉल्व होता चला जाएगा। आपको लगेगा मैं कोई स्टोरी बता रहा हूँ, और पता लगेगा यहाँ पर तो आपका फार्मूला भी डिस्कस हो गया, डेफिनेशन भी डिस्कस हो गई, और आगे भी आपका बहुत चीज़ें डिस्कस हो गई है। ठीक है, एक स्टोरी लेते हैं, एक सिंपल सी कहानी लेते हैं। देखो बच्चे भैया, आपके पास में एक कमोडिटी है, आपकी दुकान है कमोडिटी की, और ये कमोडिटी एक्स है। इसका अपना एक प्राइस का लेवल है, और इसका अपना एक क्वांटिटी का भी लेवल है। क्वांटिटी मीन्स डिमांड, लोग कितना डिमांड करते हैं, उसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको मैं डिमांड है कि कितने लोग डिमांड करते हैं वो क्यू से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि भैया प्राइस जो है ना 10 रुपीज़ है, तो लोग इसकी 100 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं। अब ये 100 यूनिट्स क्या होता है? अब कुछ भी हो सकता है, 100 केजी, 100 क्विंटल, 100 लीटर। मैं उसमें नहीं गया केजी, क्विंटल एंड लीटर में, मैंने 100 यूनिट्स बोल दिया सिंपल वर्ड में। ठीक है, तो प्राइस क्या है एक्स कमोडिटी की इस समय मेरी दुकान पे, उसकी प्राइस क्या है 10, और कितने यूनिट्स की डिमांड आती है, रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 100 यूनिट्स की उसकी डिमांड आती है 10 रुपीज़ प्राइस पे। डेली बेसिस पर मैं चेक देखता हूँ। अब एक दिन क्या हुआ, इसका प्राइस में चेंज आ गया। ठीक है, अब प्राइस में चेंज क्या आया, तो मैंने देखा जो न्यू प्राइस है ना बच्चे, न्यू प्राइस को ना, न्यू वाले को हम P1 बोलते हैं, और जो ओरिजिनल और जो इनिशियल था ना उसको P से ही डोनेट करेंगे, न्यू वाले के आगे 1 लगा देंगे, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। अब प्राइस क्या हुआ बच्चे, P1 ये तो क्या था आपका, पी था पहले वाली प्राइस, ये क्यू है पहले वाली क्वांटिटी। अब प्राइस में कुछ चेंज देखने को मिला है आपको, मीन्स P1, अब P1 देख रहे हो आप 12 रुपीज़ हो गया। तो अब आप इस बात से अवेयर हो चुके हो, डिमांड तो भैया कम होगा ही होगा, प्राइस बढ़ा है भैया आपके सामने है, डिमांड क्या होगा, अब डिमांड कम होगा। अब डिमांड जो है कम होगा, तो वो मैं बता देता हूँ, एक बार तो आप ऑब्जर्व करोगे अपनी कम्युनिटी को, उसके बाद से आप उसके लिए आप अलर्ट रहोगे, पहले एक बार तो ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस में चेंज आया तो देखते हैं डिमांड में क्या चेंज आया। तो डिमांड आपका जो है, प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड आपका डिक्रीज हुआ, तो अब 60 यूनिट्स लोग डिमांड कर रहे हैं आपकी कम्युनिटी के। ठीक है, तो प्राइस में चेंज आया, डिमांड में भी चेंज आया। अब मैं यहाँ पर यह ऑब्जर्व कर रहा हूँ, खैर देख, प्राइस में चेंज को मैं डिमांड में चेंज से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ मैं आपसे, नहीं, प्राइस में कितना चेंज आया जरा बताओ, 2 रुपये। डिमांड में कितना चेंज आया बताओ, 40 यूनिट्स। ज़्यादा चेंज किस में आया मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा चेंज किस में आया, क्यों कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक रुपीज़ में एक्सप्रेस है और एक यूनिट्स में है। 10 रुपये और 5 रुपये में तुलना होगी जब दोनों रुपया में हो। अब मैं आपसे पूछ लूँ भाई, 10 साल ज़्यादा होता है 10 किलोग्राम ज़्यादा होता है, ऐसा कोई आंसर ही नहीं है, दोनों के यूनिट्स क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे इन दोनों में ज़्यादा वेरी कौन कर रहा है, आप इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक रुपीज़ में एक्सप्रेस है और एक क्वांटिटी में एक्सप्रेस है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ बच्चे, मैं देखता हूँ प्राइस में जो चेंज आया, प्राइस में चेंज तो आया, मैं देखता हूँ उसके अंदर खुद में कितना चेंज आया, खुद में क्या परसेंटेज चेंज आया, इसको हम क्या बोलेंगे, खुद में कितना चेंज आया, परसेंटेज चेंज, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, परसेंटेज चेंज हम बोलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस जो था और जो अब है उसमें कितने परसेंट का चेंज आया। तो आप परसेंटेज निकाल रहे हो ना बच्चे, क्या निकाल रहे हो आप परसेंटेज निकाल रहे हो किस चीज़ का, चेंज इन प्राइस का, ये तो कर रहे हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज किसका निकाल रहे हो, प्राइस का या चेंज इन प्राइस का, चेंज इन प्राइस का। और आप जानते हैं, आप लोग ऑलरेडी मैथ्स आप लोगों ने किया हुआ है काफ़ी, ज़्यादा बड़े में मैथ्स की कैलकुलेशन का हिसाब तो नहीं पूछ रहा हूँ, सिंपल सा आप कभी ये निकालते हो कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए जब रिजल्ट आता है, तो परसेंटेज किसका निकालते हो, कितने परसेंट मार्क्स आए, परसेंटेज किस चीज़ का,
मार्क्स जो आए हैं, तो जो मार्क्स आए हैं वो ऊपर रखते हो और जिसमें से आता है वो उसको नीचे रखते हो और गुणा 100 करते हो तो आपका आ जाता है ना कितने परसेंट मार्क्स आए। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज आया, परसेंटेज निकालना है चेंज इन प्राइस का, तो जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर आएगा ना बच्चे, हाँ वो कहाँ आएगा बच्चे, वो ऊपर आएगा ना, इसको क्या बोलेंगे आप, चेंज इन प्राइस, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो चेंज इन प्राइस का, तो इसलिए जिसका परसेंटेज निकाला जाता है वो हमेशा ऊपर रहता है। अब प्राइस का जो चेंज आया है, चेंज इन प्राइस का जो चेंज आप देख रहे हो, चेंज आया किस में से तुलना करके पता लग रहा है, पुरानी वाली कीमत से तुलना करके पता लग गया कितना चेंज आया है ना, तो अपॉन में क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस, जो चेंज आया वो ओरिजिनल प्राइस का कितना परसेंट है, इनटू 100 करोगे बच्चे, क्लियर है। तो इसको मैं सिंपली ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस, चेंज को डेल्टा वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, चेंज को क्या लिखते हैं, डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज इन प्राइस अपॉन कौन से वाले प्राइस, नए वाले या फिर पुराने वाले, नए वाले होती तो P1 लिखता, बट नए वाले से कंपेयर नहीं हो करके बता पा रहे हो ना कितना चेंज आएगा, वो तो पुराने से बता रहे हो, तो अपॉन P इंटू 100, क्लियर है बच्चे। तो आइए परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू डेल्टा P, प्राइस में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया प्राइस में, 2 रुपये का, अपॉन पहले वाले की प्राइस 10 इंटू 100, तो पता लगा भैया प्राइस क्या हुआ, प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, एग्री करते हो, निकालना आ गया आपको, कैसे निकालोगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, मीन्स डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, समझ में आया बच्चे। तो अच्छा ये पता लग गया भैया प्राइस में खुद में कितना बदलाव आया है, तो प्राइस खुद का 20% बढ़ गया, यही तो मतलब है इसका। तो ऐसे ही मैं चेंज ऑब्जर्व करना चाहता हूँ क्वांटिटी में, सेम ऐसे ही चेंज, तो तरीका सब कुछ सेम ही रहेगा, मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं निकालूँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में परसेंटेज किस चीज़ का निकाला जा रहा है, चेंज इन क्वांटिटी का, तो इसलिए आप क्या करोगे, चेंज इन क्वांटिटी का ऊपर रखोगे जिसका परसेंट निकाला जाता है, अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, बात समझ में आई बच्चे, क्लियर है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू क्वांटिटी में ना चेंज आया बच्चे, 40 का पुरानी क्वांटिटी क्या थी, 100 इंटू 100, तो क्या आया आपका 40%, ये है ना। तो आप बताओ प्राइस में खुद में कितना बदलाव आया था, प्राइस में खुद में कितना बदलाव आया था, प्राइस में खुद में कितना बदलाव आया था, 20% प्राइस बढ़ा, डिमांड ने फिर रिएक्ट किया प्राइस के रिस्पेक्ट में, और डिमांड में खुद में कितना चेंज आ गया, 40%, बात समझ आया बच्चे, सॉरी ठीक है बच्चे, क्वांटिटी में कुल कितना चेंज आया, 40%। जरा मैं ये देख रहा हूं कि प्राइस में जो चेंज आया उसने डिमांड में भी चेंज लिया है, तो प्राइस का कितना टाइम्स चेंज आया, प्राइस में जो चेंज आया उसका कितना टाइम्स डिमांड में चेंज आया, क्या चेंज आया, ट्वाइस, ये पता लगा। इसका मतलब क्या है, मेरे प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, जितना भी इसकी कीमत में चेंज आएगा ना, जितना भी इसकी कीमत में चेंज आएगा, जितना परसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, डिमांड में उससे दुगना परसेंटेज का चेंज आ जाएगा। मुझे अपने अपने कमोडिटी के नेचर के बारे में पता लग गया, मैं एक्स कमोडिटी का सप्लायर हूँ, मुझे एक्स का नेचर पता लग गया कि भैया जो भी चेंज इसके प्राइस में आ गया डिमांड उससे दुगना अफेक्ट होगा। हमेशा दो फिक्स नहीं होता है, हर किसी कमेटी का नेचर अपना अलग होता है। मैंने अपना कमेटी का नेचर एक बार जो भी चेंज आया सामने लिख करके मैंने परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑब्जर्व करा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑब्जर्व करा, और मैंने कंपेयर कर लिया कि
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, कितना टाइम्स है पता लगा, 2 टाइम्स है। तो अब मैं अपने प्रोडक्ट के नेचर के बारे में समझ पा रहा हूँ, क्या समझ पा रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि जो भी इसके प्राइस में चेंज आएगा उसका ट्वाइस डिमांड में चेंज आएगा। तो चलो इन फ्यूचर, एक बार हो गया मैं समझ में आ गया, अब आगे के लिए अलर्ट हूँ मैं, इन फ्यूचर 15% इसका प्राइस बढ़ा, कितना 15%, मुझे पता है डिमांड में कितना चेंज आएगा, डबल, तो डिमांड प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम होगा मालूम है, बट कितना कम होगा, 30%, तो मुझे समझ में आ गया 30% डिमांड स्टॉक में कम रखूँ। समझ में आया बच्चे, क्लियर है, नहीं समझ में आया, मुझे मालूम है टू का मतलब क्या है, ट्वाइस का मतलब क्या है, कि जो भी प्राइस में चेंज आएगा डिमांड उससे डबल इफेक्ट होगा। एक दिन ऐसा आया कि 5% प्राइस रिड्यूस हो गया तो डिमांड बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, तो मेरे पास जो डिमांड हो रही है उसका 10% मैं ज़्यादा रखूंगा स्टॉक, इतना ज़्यादा क्यों ले आऊँगा एक्स्ट्रा उठा करके, भाई बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है। तो एक बार अपने आप प्राइस में परसेंटेज चेंज ऑब्जर्व कर लो, एक बार अपने क्वांटिटी के डिमांड में परसेंटेज चेंज ऑब्जर्व कर लो, इसको कंपेयर कर लो, देखो डिमांड में परसेंटेज चेंज है, प्राइस के परसेंटेज चेंज का कितना टाइम्स है, जो टाइम्स आपका आएगा इसी को हम बोलते हैं क्या है, इलास्टिसिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आया बच्चे, ये पता लगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, रेशियो बिटवीन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नहीं बात समझ में आई, बता रहा हूँ फिर से, देखो एक बार बताओ बच्चे, मिस्टर ए के पास 10 रुपये है और मिस्टर बी के पास 20 रुपये है, मिस्टर ए के पास 10 रुपये है, मिस्टर बी के पास में 20 रुपये है, मुझे बताओ बी के पास ए का कितना टाइम्स है, बी के पास ए का कितना टाइम्स है, ट्वाइस, किसके बारे में जान रहा हूँ मैं, बी के बारे में, कंपेयर किससे कर रहा हूँ, तो चलो ठीक है आपने क्या करा ट्वाइस, मतलब कि बी अपॉन ए करा, ठीक है। चलो अब मुझे दूसरा आंसर करो, ए के पास बी का कितना टाइम्स है, ए के पास कितना टाइम्स है बी का, तो यहाँ किसके बारे में पूछ रहा हूँ, ए के बारे में, तो आपने हाफ बोला, जब ए के बारे में पूछ रहा हूँ तो आपने ए को ऊपर रखा, बी से कंपेयर कर रहे नीचे, तो आपने हाफ होता है, और जिसके बारे में जानना होता है वो ऊपर, जिससे कंपेयर होता है वो नीचे, ऐसा नहीं कि बड़ा ऊपर छोटा नीचे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, जिसके बारे में जानना है सो उसको ऊपर न्यूमिनेटर में, और जिससे कंपेयर करोगे उसको आप डिनोमिनेटर में। तो ऐसे ही जब आप ईडी निकालते हो तो किसके बारे में जानते हो, डिमांड के बारे में, कि डिमांड में परसेंटेज चेंज कितने टाइम्स है, किसके कंपेरेटिवली, प्राइस से कंपेरेटिवली, नहीं समझ में आया, तो ईडी में किसके बारे में जानना होता है, डिमांड के बारे में, प्राइस के बारे में, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितने टाइम्स है विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हाउ मेनी टाइम्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आया, तो जब आप ईडी निकालोगे तो ऊपर क्या रखोगे, ऊपर किसको रखोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि डिमांड के बारे में जान रहे हैं आप, और नीचे किसको रखोगे, परसेंटेज चेंज इन, तो अब क्या बन गया, रेशियो बिटवीन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आया, एंड फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आया नहीं आया, नहीं आया समझ में, तो चलो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ बच्चे, ईडी का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, याद हो गया फॉर्मूला, अब परसेंटेज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं पता है क्या आपको, हाँ चलो बताओ परसेंटेज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, चेंज इन क्वांटिटी क्वांटिटी इनटू 100, चलो अब ये बताओ परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी बाय पी इनटू, ऐसे निकालेंगे, तो मैं इसको ऐसे वर्ड में लिख दूं या इसको मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दूं, दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है, एक ही चीज़ है, उसको मैंने वर्ड में लिख दिया, इसको मैं न्यूमेरिकल लिख दिया, सिंप्लीफाई करता हूं तो 100 से 100 कट गया, तो ED इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय Q
ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना बच्चे, इनटू पी बाय डेल्टा पी हो जाएगा। आगे पीछे कर देने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। डेल्टा क्यू डेल्टा पी को यहाँ लिख देता हूँ, पी और क्यू को यहाँ लिख देता हूँ। ये समझ में आया बच्चे, क्लियर है? दोनों एक ही फॉर्मूला है, बट एक बार ऐसे एक्सप्रेस हो रहा है वर्ड में और एक बार ऐसे। तो आपको ईडी कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले पता लग गए। इसमें तो आपको परसेंटेज निकाल निकाल के रखना होगा, नहीं तो एक बार चेंज इन क्वांटिटी में कितना चेंज आया, प्राइस में कितना चेंज आया, वो तो देख लोगे रुपया में, मात्रा में, पुरानी वाली कीमत पुरानी वाली मात्रा, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इससे भी आंसर आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? क्लियर है बच्चे? तो आपको समझ में आ गया ईडी की डेफिनेशन, ईडी का परसेंटेज मेथड, इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज मेथड, ठीक है? तो भी समझ में आ गया। अब आइए आपका क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन लेता हूं मैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है? क्या कहता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। भैया कहानी समझ में आई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एंड अब आप देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, चेंज इन प्राइस अपन प्राइस इनटू 100। क्लियर है बच्चे? अब फाइनली आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया बताओ? नहीं आया समझ में अभी भी? तो सहमत है मेरी बात से, ईडी का यूज क्या होता पता लग गया? अब ये किसी कम्युनिटी की ईडी 4 है, क्या मतलब है इसका? किसी कम्युनिटी की ईडी 4 है, क्या मतलब है इसका? प्राइस में जो भी चेंज आएगा डिमांड 4 गुना बदलेगा उसमें। अब 5% प्राइस बढ़ा तो डिमांड तो कम होगा, कितना? 20% कम हो जाएगा। आप पहले से अलर्ट हो, पहले से रेडी हो आप उसकी डिमांड को। किसी की ईडी 0.5 है, आधा, मतलब क्या है, प्राइस में जो भी चेंज आएगा उसका आधा चेंज आएगा ईडी में। समझ में आया बच्चे? क्लियर है? कोई डाउट? लाइक प्राइस 10% बढ़ा तो डिमांड में आधा चेंज आएगा, तो 5% डिमांड कम होगा उसका। क्लियर है? समझ में आया आपको? आज थोड़ा बच्चे मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, कहीं जाना भी है। तो एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है और क्या क्या उसमें आपके स्टडी होगा, ठीक है?